नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। जबरदस्त तेजी, 1% की आसपास की तेजी, और मैं कहूंगा फिनोमिनल रिवर्सल है, ठीक है। और आप देखिए, ये जो तेजी आज निफ्टी में आने वाली है, इसका अंदाजा मैं बहुत पहले से लग गया था। कब? जब खबर निकल गई थी रशिया यूक्रेन वॉर में डी एस्केलेशन हो रहा है। लेकिन जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, चीजें बहुत हद तक बदल रही है दोस्तों। यूएस स्टॉक को देख लेते हैं, कि मैं टेक्निकली बात करूंगा कि टेक्निकली निफ्टी बहुत मजबूत हो चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको बताऊंगा, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह फट से चेंज हो रहा है, ब्रेंड क्रूड किस तरह से वापस से करवट बदल रहा है, इन तमाम चीजों में बातें करूंगा। और मैं अपने पर्सनली मुझे क्या लगता है, ये भी आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव, काफी एजुकेटिव ये वीडियो होगी दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज समझा दूं आपको, आप अगर अभी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के वाले बेल को प्लीज प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो प्लीज जाके चेक कीजिए कि हमने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया है या नहीं। अगर नहीं किया है तो प्लीज करें। अब सीधा लेके चलूंगा मैं आपको कहां पे, निफ्टी के पास। 1% की तेजी है दोस्तों। कितने परसेंट की? 1% की तेजी है। आज की रैली फिनोमिनल रही है। लेकिन आपको याद होगा, मैं हमेशा से एक वर्ड यूज करता हूं, 17,500 से ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। आप देखिए रेजिस्टेंस कितना बड़ा होता है, इस इतनी तेजी भागा है ये, लेकिन 17,500 को नहीं तोड़ पाया ये, ठीक है। आज भी 17,500, और मैं आपको एक चीज समझा दूं, इसका जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है ना, वो है 17,500 से लेकर के 17,600। और मैं ये गारंटी से कह रहा हूं आपको, भले ही अभी तेजी हो जाए, मुझे निफ्टी कतई नहीं लगता 17,600 को तोड़ेगा, बल्कि मुझे लगता है वापस से एक रिवर्सल आएगा। ये वापस से शायद जाने की ज्यादा चांसेस 17,200 17,100, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको रैली दिख रही है ना 1% की, ये रैली आपको डीएस्केलेशन की लग रही है, रशिया यूक्रेन वॉर की, ठीक है। रशिया ने कहा था हम अपने ट्रूप्स को वापस ले रहे हैं कीव से, जो कि राजधानी है कहां की, यूक्रेन की। लेकिन जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, चीजें कितनी ज्यादा चेंज हो गई है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी अब बड़ा स्ट्रांग है दोस्तों। कैसे? आप देखें टेक्निकल व्यू, निफ्टी फॉर्म्स बुलिश कैंडल अहेड ऑफ एफएनओ एक्सपायरी। और कल है दोस्तों एफएनओ की एक्सपायरी, क्योंकि कल है थर्सडे, बहुत वॉलेटाइल सेशन होगा। मैं तो ये कहूंगा दोस्तों, चुपचाप बैठे रहिएगा। अगर आप एक मास्टर ट्रेडर नहीं है तो बिल्कुल भी कोई बहुत ज्यादा ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, बैठे रहे कल। एक्सपर्ट से 17,450 इज द लेवल टू वॉच, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडेक्स टू सस्टेन 17,450 इन द मॉर्निंग सेशंस, एज इट कैन पुश द इंडेक्स टूवर्ड्स द मार्क, द 17,900 मार्क्स, ठीक है। अगर ये सस्टेन कर जाता है दोस्तों और 17,500-600 को बाहर करता है, देन 17,900 का जो मार्क है वो खुला हुआ है। और मैं इसे कतई भी एकदम एग्री करता ही नहीं हूं दोस्तों, मुझे ये लग रहा है वापस से गिरावट के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं। देखिए टेक्निकलिटी अपनी जगह होती है, और टेक्निकल टर्म्स वाकई बहुत अच्छा चल रही है स्टॉक, लेकिन यहां से ऊपर जाने ज्यादा मुझे नीचे जाने का के लिए डर लगा है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, आप जरा इसे देखें, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये तो पहले निफ्टी की चर्चा कर लेते हैं। द निफ्टी डिसाइसिवली सरपास द क्रूशियल हर्डल ऑफ 17,450 आफ्टर 7 days ऑफ कंसोलिडेशन, क्लोज टू 1% हायर ऑन मार्च 30, पॉजिटिव ग्लोबल क्लूज। मैंने बताया रशिया यूक्रेन वॉर, इसीलिए बोल रहा हूं पॉजिटिव ग्लोबल क्लूज। द इंडेक्स रिमेन स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द सेशन आफ्टर ओपनिंग 17,468, इट हिट द डे हाई ऑफ 1752, यानी कि 17,500 को तोड़ा था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। नाउ इट फॉर्म्ड अ स्मॉल बॉडीड बुलिश कैंडल ऑन द डेली चार्ट अहेड ऑफ एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर मार्च, बट सीम टू बी इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ इंडिसाइज अमंग बुल्स एंड बियर्स। यही बात मैं कर रहा हूं कि बुल्स और बियर के बीच कोई भी अभी डिसाइसिव लड़ाई नहीं हो रही, केवल एक रेंज बाउंड चल रहा है दोस्तों। और देखिए ऐसा बोलने के मेरे कारण क्या है, देखिए मैं आपको बताया ना, आज की जो तेजी थी वो ग्लोबल क्यूज के कारण थी। और जब मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, आप देखें यूएस स्टॉक डिप ऑन डाउट्स ओवर रशिया डी एस्केलेशन। रशिया ने फिर से दोस्तों आपके लिए क्रूज मिसाइल छोड़ी है कीव के ऊपर, यानी यूक्रेन के ऊपर। कोई भी डी एस्केलेशन निशान नहीं दिख रहे हैं, कोई भी पीछे नहीं हो रहा है, ठीक है। वॉल स्ट्रीट स्टॉक डिप अर्ली ऑन वेंसडे एज डिमिनिश्ड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रशिया यूक्रेन रशिया पीस
प्रॉस्पेक्ट थ्रेटेंड द डाउस 4-डे विनिंग स्ट्रीक। ठीक है, लगातार 4 दिन से डाउस भाग रहा था और अब उसकी तेजी में थोड़ा सा गिरावट आ रही है। ठीक है, आगे आप देखिए, वॉल स्ट्रीट डिप्ड अर्ली ऑन वेंसडे एंड डिमेंस एक्सपेक्टेशन रशियन यूक्रेन वॉर। कीवन वेंसडे एक्यूज मॉस्को ऑफ शेलिंग अ सिटी वेयर इट हैड प्रॉमिस्ड डीएस्केलेशन। ठीक है, कीव का ये कहना है भैया मॉस्को तो अभी भी छोड़ रहा है मिसाइल जहां उन्होंने कहा था डीएस्केलेशन करेंगे, कॉजिंग अ फॉलोइंग अपबीट कमेंट फ्रॉम बोथ कंट्री अबाउट नेगोशिएशन हेल्ड थर्सडे। द लेटेस्ट डेवलपमेंट लिफ्टेड क्रूड ऑयल्स। ठीक है, मैं जब आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, क्रूड ऑयल 3-4% तेज भाग चुका है और अभी वापस से वो $111 प्रति बैरल के ऊपर वापस चला गया है। और देखिए ये ना, आपको एक ही समझना होगा, इसको बिग पिक्चर की तरह लीजिए। पर्सनली अगर कोई तेजी होती है, अगर आप ट्रेडर हैं और स्टॉप लॉस करके अच्छा कमाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप निवेशक हैं, आपको मैं फिर कहूंगा, बिल्कुल भी ये मत सोचे कि भैया ट्रेन छूट गई है। आपको बिल्कुल शेयर मिलेंगे, और मैंने कहा है इंडेक्स में भले निशान ना दिखे आपको, स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट आपको बिल्कुल दिखेंगे और बड़ी मजबूती से दिखेंगे। आपको मैंने बताया था आपको एचयूएल मिलेगा 1900 के आसपास, वापस से ही आया है और ये बड़ी ग्लोबल क्यूज बहुत अच्छी हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, उसके कारण वापस तो तेज गया है, लेकिन ये तेजी मुझे सस्टेनेबल नहीं लगती दोस्तों। मुझे ये देखना है कि क्या मुझे पैसे कमा के देने वाला है लॉन्ग टर्म में, इस चीज नहीं। मुझे लग रहा है अभी स्टॉक बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको अभी भी काफी अच्छे रेट्स में मिलेंगे। कैश में रहे, गिरावट होती है बिल्कुल आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, बाजार में अभी बहुत बड़े बड़े स्टॉक है जो बहुत अच्छे रेट में मिलेंगे आपको। ठीक, लेकिन हाँ, कल की मेरी ये राय रहेगी, देखिए FNO की एक्सपायरी है, बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, ग्लोबल क्यूज आपके साथ में नहीं है, और दोस्तों बता दूं जो जर्मनी का बाजार है वो तो बहुत तेज गिर चुका है। ठीक है, इसीलिए मैं कहूंगा काम आराम से कीजिएगा। ठीक है, आपको मौके देगा स्टॉक, कुछ भी बेचने की हड़बड़ी नहीं कीजिएगा ना खरीदने की, बहुत अच्छे अच्छे सपोर्ट में आपको मिले स्टॉक, बिल्कुल हल्का हल्का एक्यूमुलेट कीजिए। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचे दोस्तों। ठीक है, अनटिल और अनलेस आप कोई बहुत अच्छे ट्रेडर नहीं है। ठीक है, ट्रेडर है तो बिल तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।